नहीं सही किया। सुरेश चलाओगे भाई? हाँ My life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. क्या लिखा तुम लोगों ने? कहाँ यहीं पे रहते हो क्या? यहीं हम लोग एकदम उस तरफ रहते हैं, मॉडर्न की तरफ। अच्छा हम लोग वहाँ से ये भागता हुआ आया, फिर मेरे घर पे वहाँ से आया, ये बोला आज मेरा लकी डे, मतलब एडिटिंग कर दीजिएगा, नेम कट कर दीजिएगा क्योंकि मतलब हम लोग चाहिए। हाँ। हम लोग बहुत बड़े फैन है आपके। अच्छा तो फिर इसने मतलब पेपर गया घर पे भाग के, वहाँ पेपर लिया। अब ये इस कंडीशन में ये बहुत तेज भागा था, बहुत तेज भागा था। अच्छा रुको बस कर रहा, थोड़ा उधर चल देना ना, एक्चुअली कॉलोनी है, बहुत ज्यादा लाउड है ये, एक्सट्रीमली लाउड है। तो हम लोग दौड़ते हुए, अच्छा मॉडर्न एकेडमी से पढ़े ना? नहीं यार मैं सीएमएस में था, महानगर। हाँ, बस इधर से राइट चलते हैं। अरे आराम से चलो, कोई टेंशन नहीं, धीरे चल रहे हैं। बहुत तेज मत करना है, हल्का करना थोड़ा, क्योंकि कॉलोनी है ना अभी भी। लो हल्का सा। बाय 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 बाय, चलो सो हैप्पी होली आप सभी को। और ये अपने कुछ छोटे सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे ये लोग, और इन्होंने लेटर लिखा है मेरे लिए। बड़ा ही क्यूट सा लेटर है, बड़ी क्यूट सी हैंड राइटिंग है। मेरे से कहने लगा कि भैया मैं आप एक बार थ्रॉटल ले लूँ, एकदम मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा यार। तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है दिल से जब आपको ये मौका मिले। इनफैक्ट मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मुझे मौका मिल रहा है अपने छोटे छोटे भाइयों के ऐसे छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे करने का। एक बार फिर से अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, अपने यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी होली सभी को, सब लोग खूब एंजॉय करो। क्या आवाज गूंज रही है सीबीआर की यार, मजा आ गया। पीछे एक कार खड़ी थी, उसका अलार्म बजने लगा सीबीआर की आवाज से। मैंने कॉल करके, डैडी घर पे थे, डैडी देखो डैडी को शौक बहुत है बाइक चलाने का, बट अभी डैडी ने 650 आर नहीं चलाई अपनी एक भी बार। तो इस व्लॉग में डैडी 650 आर लेके आ रहे हैं।
सो मैंने कहा अपनी ब्लेड को बुला लिया जाए, थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा, और डैडी ऑफिस से भी आए हुए हैं, फ्री हैं, तो उनको एक्चुअली बाइक्स का बहुत शौक है। और अगर रॉयल इनफील्ड की बात करो तो कहो वो 3-4 बार सेल करके फिर से वही ले लें, इतना शौक है उनको। और हार्ले बहुत पसंद है, हार्ले डेविडसन बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद देखो ऐसी बाइक्स भी हैं बट अभी वो चलाते नहीं है, तो उनको थोड़ा सा अंदर डर है अभी कि निकाल पाएंगे घर से बाहर कि नहीं चला। तो वो देखो कोई भी बाइक लेंगे, S1000 दे दो वो भी चला लेंगे। फिलहाल के लिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं, तो अभी मैं चला रहा हूँ बेनेली 600 आए, जैसी अपनी CBR आ जाएगी उसके साथ इसका एग्जॉस्ट कंपैरिजन करेंगे। दोनों में लगा है ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट, इसमें दो एग्जॉस्ट लगे हुए एक्चुअली, डबल एग्जॉस्ट सेटअप है, वो भी सीट के नीचे। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया कि इसमें एवेंटाडोर जैसा साउंड आ रहा है, एक लैम्बो जैसा साउंड कर रही है ये बाइक। तो अपनी CBR तो भाई गॉडज़िला है एकदम, उसका साउंड थोड़ा लाउड ज़्यादा ही है, मतलब ये आइडलिंग पे बहुत लाउड है, वो आइडलिंग पे इतनी नहीं है, बट जब वो भागती है भाई तब जो साउंड आता है भाई, मतलब अगर आप 2-3 किलोमीटर दूर हो गए ना तब भी आपको पता चल जाएगा कि CBR आ रही है। तो अगर 600i की बात करें तो इसकी आवाज़ प्रीमियम तो बहुत ज़्यादा आ रही है, दोनों बाइक्स की आवाज़ प्रीमियम बहुत है, और इसकी और ज़्यादा एक ऐसा लग रहा है दूर से आवाज़ आ रही है, मतलब आप बगल में भी बाइक चला रहे हो। तो जैसे मैंने बताया ना कंपेयर किया एक एवेंटाडोर से, तो ऐसा लग रहा है कहीं बहुत दूर से बहुत प्रीमियम कोई सुपर कार जा रही है, वैसी आवाज़ आ रही है। तो अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं अपनी CBR के आने का, CBR आ जाए उसके बाद मैं शुरू करता हूँ ये कंपेरिजन। कहाँ यही रहते क्या? इधर ही लेकराज पे। अच्छा आपके फ्रेंड ही है वो? कौन? सृजन भैया। हाँ हाँ अच्छा। तो अभी बस यहाँ पे खड़े थे, वेट कर रहे थे, चलो बाय। अभी यहाँ पे अपने तब से 4 सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं, तो यार दिल से बहुत खुशी होती है, लगता है मेहनत जो कर रहे हैं ना सब यार सफल है, मतलब अच्छा लगता है यार। अभी 2 छोटे छोटे बच्चे भी आए थे यार, वो भी मिले, अच्छा लगा, कहता है भैया बिग फैन। चलो डैडी आ जाए फिर कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। कैसे निकालते वक्त घर से बाहर? भारी है क्या? यहाँ जब टर्न हो रहा था हाँ, तो इसका हैंडल ज़्यादा घूमता ही नहीं है। हाँ थोड़ा सा ही घूमता है हैंडल।